आए हुए सभी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दर्शा रहे हैं उसमें सभी पत्रकार बंधुओं को मैं तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इस टीसीपी और साडा के विरोध में पिछले कई महीनों से जो पंचायतों के प्रतिनिधि इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं मैं उनसे पर्चे करवाना चाहूंगा। मेरे दाएं बैठे हैं अश्वनी चौधरी जी जो कि बेट जिगली सॉरी अवैली के प्रधान है, आशा जी महलपट के प्रधान है, राधा जी महाकाल के प्रधान है, मंजू जी घोड़पिट के प्रधान है, और इस तरफ बैठे हुए संजय राणा जी कुंसल के उप प्रधान, बसी भाई जी बसंत जी जो कि महाकाल के उप प्रधान, पवन कपूर जी जो कि कुकैना के उप प्रधान, और जो साडा में जो पंचायत दो शामिल की है अंजना जी वो अपने कुछ पर्सनल इशू से थोड़ा लेट हो गई, और जो गड्डू वाले प्रधान हो गए। तो जैसा कि आप सबके ध्यान में है और मैं आपका बैजनाथ पटोड़ा के सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जब भी यह आंदोलन खड़ा हुआ था तो आपने हमारा एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते आपने टीसीपी और साडा के विरोध में जो हमने धरना प्रदर्शन किया उसको आपने अच्छी कवरेज दी है, उसके लिए आप बधाई के पात्र है। आपने कोई पक्षपात ये नहीं किया कि आपने जो बात की आपने हमारा साथ दिया। नंबर एक बात, डीसीपी और साडा का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, हम विकास के विरोध में नहीं है, हर कोई पंचायत का प्रतिनिधि है, सभी पंचायत के विकास के फेवर में है, ये इसलिए हम लोग विरोध में है कि इससे पहले जो टीसीपी साडा में जो पंचायतें शामिल की थी आज उनकी दशा क्या है, आज वहां के जहां के लोग हैं वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी ना यहां कोई ऐसी कंडीशनें हैं कि हम उस टीसीपी और साडा के जो रूल है उनको फॉलो कर सकें। सारी पंचायतें ग्रामीण पंचायतें हैं जो कि ग्रामीण पंचायतों को ग्रामीण ही रहने दो। टीसीपी का जो कार्यालय है वो पालमपुर में है, पालमपुर में कार्यालय है, तो जैसे दूर दराज से जो लोग अपने काम के लिए कार्यालय वहां जाएंगे तो उनको विभिन्न समस्या उठानी पड़ेगी। तो हमने सरकार को 20 अगस्त को जब सरकार की नोटिफिकेशन आई थी कि 9 पंचायतें जो नई इसमें शामिल की गई तो सभी पंचायतें आजकल कामकाज होने के बावजूद भी धरने प्रदर्शन में है। तो हमने सरकार को ज्ञापन दिया था 2 सितंबर को कि हमने समय लिया था सरकार से कि 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी की है तो आप हमें उसकी नोटिफिकेशन जारी करें और हम सारी जो पंचायतें विरोध में है इनको बाहर निकाल लें। लेकिन विधानसभा में माननीय विधायक जी ने भी अपना संबोधन रखा, हमें इंतजार कर रहे हैं आज भी सारी पंचायतें कि ये टीसीपी से और साडा से पंचायतें बाहर निकाली जाए, लेकिन विधानसभा में भाषण के बाद उसके बाद अभी तक हमें ना कोई नोटिफिकेशन आई, उसके बाद हमने धरने प्रदर्शन किए। तो अभी हम लोग सारे यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं तो ये जब भी पंचायतों में जा रहे लोग इनसे पूछ रहे हैं कि कब टीसीपी से बाहर निकाला जाएगा, कब साडा से बाहर निकाला जाएगा। तो हमने सरकार को पहले भी बोला हमने शांतिपूर्वक तरीके से हमने सभी ने धरना प्रदर्शन किया। अब जो हम आगे का जो अल्टीमेटम इनको देने जा रहे हैं कि चक्का जाम करेंगे, लेकिन हम फिर भी इनको समय दे रहे हैं, क्या बोला जी? फिर भी इनको समय दे रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से आप साडा और टीसीपी में जो पंचायतें आपने शामिल की है उनको कृपया बाहर निकालें। लेकिन अभी भी समय है, कुछ समय के और देख लेते हैं 2-4 दिन का, अगर नहीं करते हैं तो हम चक्का जाम बैजनाथ चवीन चौक में करेंगे, सारी पंचायतें मिलकर चक्का जाम करेगी, और उसके बाद भी कोई अगर नहीं निकलता है तो हम बीड़ बिलिंग का जो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप होगा उसका भी पूरा रूप से हम विरोध करेंगे। क्योंकि हम वर्ल्ड कप इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि जनता सारी बैजनाथ विधानसभा की इस टीसीपी और साडा में आने के बाद त्रस्त है, परेशान है, हम कैसे सरकार को कोऑपरेट करेंगे? सब जब सरकार हमें ही कोऑपरेट नहीं करती तो हम कैसे बीड़ बिल्डिंग का वर्ल्ड कप होने देंगे? तो हम चक्का जाम करके बीड़ बिल्डिंग में बैठेंगे, और 1-2 दिनों में अभी लोगों में थोड़ा जमीनों के काम चले हैं उनको थोड़ा खत्म होने देते हैं, हम चक्का जाम करेंगे चवीन चौक में सामूहिक सब बैठ कर, यही मेरा कहना है। अब मैं प्रधान जी से चाहूंगा कि आप इस विषय में थोड़ा बताएं। श्री नमस्कार, मैं श्री पत्रकारों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया। मैं प्रधान ग्राम पंचायत अवैली अश्विनी चौधरी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो टीसीपी का कानून जो या जो भी है मतलब नोटिफिकेशन जो निकाली है सरकार ने तो ये हमारे गाँव के बिल्कुल विरुद्ध है,
क्योंकि मेरी पंचायत में, तो अपनी पंचायत की बात करता हूँ कि मेरी पंचायत में जो इस समय जो 80% लोग जो है वो मेहनत मजदूरी दिहाड़ी लगा करके अपना गुजारा करते हैं। तो अगर TCP लागू हो जाता है तो आने वाले टाइम में उनको अगर किसी ने 50,000 में एक छोटा सा कमरा ही बनाना है तो उसके लिए 20-30,000 तो पहले उसको TCP में खर्चना पड़ेगा, तो वो तो कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं एक कमरा मान लो इकट्ठा। बाकी जो डेवलप लोग हैं मान लो अच्छे लोग जो नौकरी पेशा करते हैं आज, उनका तो पता ही है सभी को कि वो तो नक्शे के ऊपर मकान बनाते हैं, उनको कोई उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 80% लोग जो हैं वो गांव के जो ग्रामीण हैं उनके लिए जो है इससे बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उनको तो चक्कर लगाने पड़ेंगे TCP का, जैसे दफ्तर पालमपुर में है तो हम तो उनको बहुत सा समय जो उनका मतलब चक्कर लगाने में चला जाएगा। और दूसरा कि जैसे लोगों ने हमें चुन के भेजा हुआ है तो हमारा सरकार किसी भी सरकार के प्रति हमारा कोई मतलब ये नहीं है कि हम किसी के विपक्ष हैं, लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि हमारी जो पंचायतें हैं वो TCP कानून से बाहर होनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग अभी हमें पूछ रहे हैं कि आपके आने से ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब ये सर्वे सरकार बोलती है कि 2018 में हुआ है, लेकिन जो अभी नोटिफिकेशन हुई वो हमारे टाइम में हुई, तो मैक्सिमम लोग जो वो हमें पूछ रहे हैं कि प्रधान जी आप मतलब क्या कर रहे हैं उसके बारे में, क्या कर रहे हैं TCP एक्ट के बारे में क्या कर रहे हैं। तो हमारा मतलब सरकार को एक ही है कि हमारी पंचायतें जितनी भी हमारी पंचायतें जो लगाई हैं, जैसे घोड़पीठ है मेरी नियरबाई घोड़पीठ पंचायत है, कोकरना पंचायत है, तो मैं चाहता हूं कि इन पंचायतों को जो इस दायरे से बाहर किया जाए और जल्दी से जल्दी जो सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय ले ताकि जो लोगों को राहत मिले। इसी के साथ ही धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप।